नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अचानक कोचिंग क्लास में। बहराइच में जैसा कि 2020 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 2020 में जो है कलम, तो उसमें क्या था कि नेटवर्क इश्यू आने की वजह से हम सॉल्व नहीं करवा पाए थे। इसके आगे का पार्ट तुम दे रहे हो और बाकी इसके पहले जो दो पार्ट हम सॉल्व करवा चुके हैं, एक से लेके 50 तक के क्वेश्चन और 50 से 85 तक के, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है लिंक, वहाँ पर जाके आप वहाँ से पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसके आगे का पार्ट देखते हैं। देखिए, चेक की सुविधा किस में नहीं दी जाती, तो सावध जमा खाते में चेक की सुविधा नहीं दी जाती है। निम्नलिखित से कौन साथ बैंक का दायित्व है, तो उसके जो डिपॉजिट है वो अकाउंट जो है डिपॉजिट अमाउंट जो होता है वो दायित्व होता है। ये बैंक के लिए एसेट्स होते हैं। स्टेट बैंक के केंद्रीय संचालन बोर्ड में कितने लोग होते हैं, तो ये यहाँ पे 8 लोग होते हैं, लेकिन बाकी चेंज होता रहता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर स्टेट बैंक इंडिया की ऑफ इंडिया की जो है अथोराइज कैपिटल की, तो अथोराइज कैपिटल ये आप हमें बताएंगे कि अथोराइज इसकी कैपिटल क्या है। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे हमें आप पता चले कि आप जो है वीडियो देखे हैं पूरा। ठीक है, आगे देखिए, स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की शाखा संख्या है, सर स्टेट बैंक के सहायक कितने हैं, तो स्टेट बैंक के जो है सहायक अगर हम देखें तो ये 5 है। कितने इस समय है, 5, 7 थे 2 का विलय हो गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI की स्थापना कब हुई थी, तो IFCI की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। कब हुई, 1948। भारतीय आयात निर्यात बैंक किस स्टैब्लिश कब हुआ था, तो भारतीय आयात निर्यात बैंक जो था वो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1982 में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ICICI बैंक है तो किस टाइप का बैंक है, मतलब नेशनलाइज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नॉन ऑफ दीज, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, यहाँ पे ICICI जो शुरू में खुला था उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक था क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पे आंसर। अगला, वर्तमान में बचत खाते पर ब्याज दर है, तो ये चेंज होता रहता है, इसको आप अपने हिसाब से इसको भी देखेंगे आप। ये जो सेविंग पर है ना, ये चेंज होता रहता है बचत खाते पर लेके भी, तो यहाँ फिलहाल के लिए 3.5 अप्रॉक्स है, ये देख लीजिएगा। फिर अगला, निम्नलिखित से कौन शीर्ष बैंकिंग संस्था नहीं है, तो शीर्ष बैंकिंग संस्था कौन सी नहीं है, तो क्या रिजर्व बैंक है, नाबार्ड भी है, तो बैंकिंग अगर और एग्जिम बैंक जो है ए भी है, ठीक है, डी ये शीर्ष बैंकिंग संस्था नहीं है। हाँ, जहाँ RBI नहीं, वहाँ एजेंट के तौर पे काम करता है, वो अलग बात है। तो बैंकों के कोषों का स्रोत क्या होता है, कि सोर्स ऑफ फंड्स इन बैंक्स आर, तो बैंक के पास फंड कहाँ से आता है, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, डिपॉजिट, ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा। सोर्स, ये सारे सारी जगह से पैसा आता है बैंक के पास। बैंक का कौन सा साधन सबसे अधिक तरल है, मतलब तरल का मतलब कौन कैश फॉर्म में माना जाता है, तो ये 96 में जब जाएंगे, जैसे कैश रिजर्व, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ ब्लू चिप कंपनीज, लोन एंड एडवांसेस, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्थित विवरण से ज्ञान होता है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेट जो है पोजीशन पता करना होता है, तब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो रियल बैलेंस शीट जो होती है वो रियल बैलेंस शीट नहीं, रियल फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता होती है, इसलिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अगला, शोधनीय बिल मद है, तो रिडम्बल बिल आइटम्स आर, तो ये क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है, तो 98 ये लाइबिलिटी आपकी। और इसके बाद भारत में बैंकों का स्थित विवरण प्रकाशित किया जाता है, हमारा जो बनता है आपका बैलेंस शीट बनती है, ये किस डेट को बैंक अपना जो है जारी करते हैं, तो ये 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तभी जारी किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, तो ये 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 को 5 बैंक खोले गए थे, यूपी में 2 खोले गए थे, राजस्थान में 1 और हरियाणा में 1, ठीक है, और इसके बाद एक पश्चिम बंगाल के मालदा में खोला गया था। इस तरीके से 5 बैंक हमारे खोले गए थे, और ये 100 क्वेश्चन हमने 2020 के जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और 2019 का भी पेपर सॉल्व करा दिया गया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।